बस्तर लोकसभा सीट की, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी बैदुराम कश्यप पर फर्जी तरीके से 10वीं की ओपन परीक्षा पास करने का आरोप लगाया है और मुन्ना भाई कहकर उन्हें संबोधित किया है। मामले ने तूल पकड़ा और नाराज बैदुराम कश्यप ने पूरा मामला साबित करने की चुनौती दे डाली है। निर्वाचन आयोग से शिकायत करने के बाद मानहानि के मुकदमे को लेकर बैदुराम कश्यप ने दीपक बैज को कोर्ट में घसीटने की बात भी कही है। नोटिस भेजकर बैदुराम कश्यप ने दीपक से माफी मांगने को कहा है। दोनों प्रत्याशियों के बीच राजनीतिक रंजिश पुरानी है और इसकी वजह से ही टिकट घोषणा के बाद से ही दोनों के बीच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने भी केदार कश्यप की पत्नी के फर्जी तरीके से परीक्षा देने के मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि मुन्नी बाई से पहले निपट रहे थे और आज चुनाव में मुन्ना भाई से भी निपट लेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक बैज जी ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बैदुराम कश्यप जी पर आरोप लगाया था कि वो मुन्ना भाई हैं और वो 10वीं का परीक्षा तोकापाल में उनकी जगह कोई दूसरे ने दिया और वो फर्जी ढंग से उसमें उपस्थित हुए। श्री दीपक बैज ने कंटिन्यूसली मीडिया में और प्रेस में बैदुराम कश्यप जी के अगेंस्ट में उन्हें कोई फर्जी परीक्षा देने वाला स्टेटमेंट दिया है और वो मुन्ना भाई हैं ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उसे डेफिनेटली मेरे क्लाइंट की जो है वो मानहानि हुई है। उसके अगेंस्ट में आप माफ़ी मांगे 3 दिनों के अंदर, अन्यथा FIR पॉइंट नहीं है, सीधा क्रिमिनल कंप्लेंट में हम डेफेमेशन की क्रिमिनल कंप्लेंट पर कोर्ट में मूव करेंगे।